अच्छा, जब मैंने सीएसएस का इरादा किया तो मेरी फैमिली में मेरे एक अंकल पहले मौजूद थे. अच्छा. और एक तरह से जैसे आपने रोल मॉडल का लफ्ज यूज किया, तो जो भी आपसे सीनियर होगा एज में, फैमिली में मौजूद होगा, वो एक रेडी रेफरेंस होता है. लेकिन मैंने बहरहाल कोशिश ये की कि कुछ सब्जेक्ट स्टडी किए ऑप्शनल, और फिर कुछ मेरा एप्टीट्यूड था तो मैंने एक कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया. फिर जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो तो सबने स्टडी करने होते हैं, तो उसमें भी ये कि स्मार्ट वर्क करें, बहुत इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज काम तो आती है, बट आपको पता है ये एक स्मार्ट प्रिपरेशन का टाइम है. तो मैंने कुछ वैसे ही प्रिंसिपल्स अपने जेहन में रख के तैयारी की, रिटर्न एग्जाम एंड देन फिर रिटर्न का रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू की तैयारी. फिर इंटरव्यू में आप अपीयर होते हैं, फिर अगर आप सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं देन मेडिकल, और फिर साथ में साइकोलॉजिकल आपके इंटरव्यू से पहले हो जाता है. तो इन तमाम मराहिल में गाइडेंस तो मुझे मैसर थी, बट देन आई ट्राइड के मैं थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करूं इंस्टेड ऑफ अ डिटेल्ड एंड लेंथी प्रिपरेशन. ठीक है. बिकॉज आपको पता है कि 3 घंटे में एग्जाम होता है. बिल्कुल. सो आपने जितनी भी आपकी नॉलेज है उसमें आपको ये एक टेक्निक आनी चाहिए, हाउ स्मार्टली यू कैन प्रेजेंट योर एंटायर नॉलेज, सबमिट अप नाइसली, एंड देन यू कैन अटेम्प्ट द कंप्लीट यू नो एग्जाम. जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप है, सब्जेक्टिव है, तो अगर आप किसी भी एग्जाम में छोड़ाते हैं, इनकम्प्लीट छोड़ाते हैं, तो आपको मार्क्स का डेफिसिट फेस करना पड़ता है. और ये इतना सख्त कॉम्पिटिशन का एग्जाम है कि इसमें अगर आप एक एग्जाम में सफर करते हैं और उसमें मार्क्स का डेफिसिट, फिर वो आपके अगले रिजल्ट को भी अफेक्ट करता है. तो आई थिंक आप किसी भी एग्जाम को लाइटली नहीं ले सकते, नाइदर कंपल्सरी नॉर इलेक्टिव. तो आपने जब भी सीएसएस के उसमें आपने आना है, तो एक तो कंप्लीट माइंड मेकअप करके आए, 3-4 करियर ऑप्शंस में आपका दिमाग डिवाइडेड नहीं होना चाहिए कि ये ना हुआ तो ये कर लेंगे, उसमें ना कामयाब हुए तो कुछ और कर लेंगे. क्योंकि आई थिंक इट इज अ मैटर ऑफ फोकस, स्मार्ट प्रिपरेशन, और उसके बाद उसकी स्मार्ट रिप्रेजेंटेशन इन द रिटन एग्जाम. फिर अल्लाह ताला कामयाबी दे, रिटन में से आप निकल जाए, तो फिर इंटरव्यू की टेक्निक इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द रिटन. अब रिटन में हम बिल्कुल अपने तौर पर तैयारी कर रहे होते हैं, और हम कोशिश करते हैं अपने नोट्स किसी के साथ शेयर भी नहीं करें कि इंडिविजुअलिटी रहे, इनोवेशन रहे. बट आई थिंक इंटरव्यू की प्रिपरेशन इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर. इसमें आप जितना ग्रुप वर्क करें, जितना अपने ख्यालात को एक्सप्रेस करें, और उसमें भी शॉर्ट टाइम में जितना आप अपने आइडिया को सम अप करें और एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर दे सकें, तो आई थिंक ये उसकी गेम है. तो उसमें फिर एक टेक्निक फर्क है कि यू शुड ओपन अप, यू शुड इंटरैक्ट विद पीपल, बट एट द सेम टाइम आप डेमोक्रेटिक